हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अन एकेडमी के जस्ट सिक्स स्टैंडर्ड चैनल पर। गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी ऑनलाइन आ जाएं। देखिए बच्चों, आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है टॉप एजुकेटर्स। हाँ, यहाँ पर आपके जो भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी कराई जाएगी आपके क्लास सिक्स के। ये देखिए, गुड क्वालिटी कंटेंट है बच्चों। यहाँ पर आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। सारे सब्जेक्ट आपको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, जो भी डाउट्स होते हैं वो बच्चों अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी आ जाएं। आपको बच्चों मालूम है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये आपकी गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, आपका जिसमें कमांड है उस पर अच्छे से तैयारी हो जाती है, और जिसमें आप वीक हैं, जिस टॉपिक में, उसके अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, जिसमें आप अनअकैडमी जल्दी से, जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर इसका लिंक अवेलेबल है। चलिए, जब तक आप आते हैं तब तक मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है। मेरा 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है और मैं यूपीएसएससी के बच्चों को हिंदी एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हूँ, और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। क्लास सिक्स के बच्चों की हिंदी की तैयारी कराती हूँ। इस समय बच्चों आपको मालूम है ना कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बन चुका है ना। यहाँ पर आप पढ़िए, आपके सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पर आपके, अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको बच्चों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अपने टीचर्स को अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी मीडियम के हैं आप तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में आप सारी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आपको इस लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है आपकी। और यहाँ पर देखिए, डेली लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। आपकी जो भी, जो यहाँ पर सिलेबस बनाया है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बनाया है। आपकी क्लास में जैसे साइंस में आपके जितने लेसन है उसके अकॉर्डिंग, और आपके आप एनुअल पेपर आने वाले हैं, आपके वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, तो जो उसमें जिस तरीके से आपका सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग आप पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी अच्छे से, आपको बहुत हेल्प करता है। यहाँ के जो एजुकेटर्स हैं आपके बेटा इस प्लेटफॉर्म के, आपकी तैयारी कराने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और यहाँ पर बच्चों देखिए, मॉक टेस्ट होते हैं, क्विज होती है ना, और आप अपने टेस्ट जब होते हैं तो आप अपने कितने परसेंट आए, कितने आपके मार्क्स आए, कितने आपने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में करते हैं वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस पे अच्छे कमांड के लिए आपको ऐसे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं जिनका अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड है, आपके डाउट्स वो क्लियर करेंगे, आपकी जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपकी प्रिपेयरिंग कराने में बच्चों ये एजुकेटर्स आपकी मदद करते हैं। कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, हिना मैम, और उसी में मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी, ठीक है। आप इनके सपोर्ट से आप अच्छे मार्क्स क्लास में ला सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, आपके सारे सब्जेक्ट में जिसमें आप वीक हैं उस पर अच्छा कमांड पा सकते हैं। जल्दी से इनको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए।
देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेहेंसिव सिलेबस में साइंस में बच्चों देखिए 6 कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज हैं, सोशल स्टडी में 3 कोर्सेज हैं। आप अपनी प्रिपेयरिंग करने के लिए जल्दी से अन अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट 6 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अनअकैडमी डाउनलोड करके बच्चों ऐप, इसमें आपको मेरा नाम लिखना है पूजा बत्रा और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है जिससे आपको जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपको मालूम है बच्चों जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर उनके कितने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको आप कभी बिजी होते हो, कहीं बाहर जाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, आप नहीं पढ़ पाते हो लाइव क्लासेस, तो आप जिन टीचर से पढ़ते हो उनके आप वीडियोज आप देख सकते हो। और डाउट सेशन होता है वहां पर, आप जब डाउट सेशन होता है तो आपको पहले से बता दिया जाता है, आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो किसी भी सब्जेक्ट के। साइंस में आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। क्विज होती है, तो आप जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए कि आप क्लास 6 के में जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कम नंबर मिलते हैं आप अच्छे कमांड के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, देखिए लिंक दिया हुआ है, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ का सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कितना चीप है। आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको कितना कॉस्टली पड़ता है, और इस टाइम वैसे भी कोविड में आप बाहर ऑनलाइन आपकी क्लासेस हो रही है, बाहर जाते हो आप, तो आपके लिए क्या है, आप ये अगर 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। देखिए 1 मंथ का अगर आप लेते हो तो 2500 का है, आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, आपकी लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लियर होंगे सब, देखिए आपका 1 मंथ में कितनी कम इंस्टॉलमेंट में। 6 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये देखिए 10,000 का पर मंथ, देखिए आपकी 33% ऑफ करके केवल 1,667 रुपीज का है। आप तो बाहर ट्यूशन जब पढ़ने जाते हो तो आपकी फीस कितनी लगती है, आप एक एक सब्जेक्ट की 1,500 देते हो, 2,000 देते हो, तो आपको देखिए 1,667 में लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, आपको डाउट्स आपके क्लियर होंगे, सब क्विज होगी जिससे आपको जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसकी अच्छे से तैयारी होगी। और 12 मंथ का तो देखिए बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, 13,500 का है, देखिए पहले तो 15,000 का था, आपको उसमें भी डिस्काउंट मिला है। अगर आप पर मंथ आप ज्वाइन करते हो तो केवल 1,250 का है। जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कि आपके फाइनल अब होने वाले हैं, आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सको, सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी अच्छे से कर सको। बच्चों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो सब्सक्रिप्शन तो ये केवल 22,500 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट देखिए उस पर आपको 58% ऑफ करके 1,042 रुपीज है। देखिए तो पहले ये कितने का था, 25,000 का था, उस पर आपको देखिए ऑफ करके 22,500 का इस टाइम। और अगर पर मंथ आप इंस्टॉलमेंट देते हो आप 1,042 केवल इंस्टॉलमेंट आती है आपकी, बताइए 1,042 रुपीज में आप सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, और कितने टफ सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, जिसमें आपको फुल कमांड चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड POOJA पूजा 01 अगर आप प्रयोग करते हो इसका तो आपको 10% उसमें डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके अच्छे मार्क्स के लिए है ना, आप क्या करिए इसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए बच्चों जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं, आज का आपका हिंदी व्याकरण का नया पाठ है अविकारी शब्द। आपको मैंने पढ़ाया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द, थोड़ा सा आपको बताया था विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं,
देखिए फिर से समझ लीजिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण जो विकार यानी कि बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, जो उसे क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जैसे कि आप देखिए, राजा 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 महल में रहता है, ठीक है। राजा का आपका क्या है, ये संज्ञा शब्द है। राजा क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है। राजा को आप बदलते हैं तो आप बदल सकते हैं राजा को रानी में, बदल सकते हैं, ठीक है। राजा का आप परिवर्तन कर सकते हैं रानी में, ठीक है। अब जैसे ये है, एक उदाहरण देखिए, सविता तेज दौड़ती है। आप जहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग वचन कारक काल के कारण जो बदलाव आता है उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द में आपको मैंने बताया कि परिवर्तन होता है, आप परिवर्तन जिसमें कर सकते हैं आप वाक्य में, वह शब्द होते हैं विकारी। अविकारी अर्थात नहीं बदलाव। भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल का कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, अविकारी को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। आपके हिंदी व्याकरण में कभी कभी एक्सरसाइज आती है आपके अभ्यास कार्य में। हेलो बेटा, हेलो सेठ, क्या आता है आपके में, अव्यय। तो अव्यय और अविकारी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों शब्द हमारे क्या है, एक ही है। क्या है हमारे, एक है। आप जैसे ये करते हैं, सविता तेज दौड़ती है, देखिए तेज हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, अविकारी शब्द है। आप तेज शब्द में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, यह हमारा क्रिया आप बदलते हैं। अगर आप सविता की जगह राम करते हैं, राम आपने किया, राम तेज दौड़ता है, तो आपने राम, आपने अगर संज्ञा ली तो आपने दौड़ता है वो क्रिया राम के अनुसार लगा दी आपने, ठीक है। खरगोश तेज दौड़ता है, ठीक है, आपने क्या किया, खरगोश दौड़ता है उसी के अनुसार ही क्रिया है, ठीक है। लेकिन जो तेज है हमारा, तेज क्या है, तेज में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारा क्या है, अव्यय है। ये क्या है हमारा, अविकारी शब्द है, अव्यय है, और हम अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अगर शब्दों में, वाक्य में आपके कल, यहाँ, शीघ्र, यदि और लेकिन यह शब्द आते हैं तो आपको ये पहचान हो जाती है कि यह क्या है हमारे, अविकारी शब्द है। क्या है हमारे, अविकारी शब्द हैं। जल्दी से बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाएं। अविकारी शब्द और विकारी शब्द में आपको अंतर पता चला, किसी भी वाक्य में इनके द्वारा कोई भी परिवर्तन होता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के द्वारा कोई भी बदलाव होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो वह हमारे विकारी शब्द हैं। अगर इनमें से कोई परिवर्तन, संज्ञा आपने बदली, सर्वनाम बदला या क्रिया बदली और या आपने काल बदला, उसके कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह हमारा क्या है, अविकारी शब्द। सविता तेज दौड़ती है, खरगोश तेज दौड़ता है, तेज यहाँ पर क्या है हमारा, अव्यय, अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात वाक्य में कोई बदलाव ना हो, यह हमारा क्या होता है, अविकारी, ठीक है। जैसे कि आप अविकारी का उदाहरण देखिए, जैसे अभी मैं नहीं जा सका, अभी मैं नहीं जा सका, अभी में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राम, अभी राम नहीं जा सका, राम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, वो संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप किसमें, अभी भी, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यह सब हमारे क्या है, हमारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। आगे देखिए, अविकारी शब्द परिभाषा इसकी क्या है, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल व कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिनके ऊपर लिंग वचन काल व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वह हमारे कहलाएंगे अविकारी शब्द।
ठीक है, अभिकारी शब्द के भेद हैं, पहले परिभाषा आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये आपकी एग्जाम में आती है, या तो अव्यय कह करके आती है या अभिकारी शब्द कह करके आती है। ठीक है, अभिकारी शब्द के भेद, अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको मैंने बताया था विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम मैंने बताया था, है ना। अब ये देखिए अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, अभिकारी शब्द के चार भेद होते हैं, ये अच्छे से याद करिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अभिकारी शब्द के उदाहरण है, आपके भेद हैं, भेद है आपके। क्रिया विशेषण, आपके एग्जाम में क्रिया विशेषण में से आपके दो तीन वाक्य आपके जरूर पूछे जाते हैं, या तो आपको खाली जगह में आता है या आपका आता है क्रिया विशेषण शब्द छाटिए, इस तरीके से आता है अभिकारी शब्द में से। तो क्रिया विशेषण अच्छे से समझिएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में हमारे क्रिया क्या है, क्रिया बच्चों क्या है, हमने आपको क्रिया समझाई थी, क्रिया की परिभाषा क्या बताई थी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, जो शब्द, हमने क्रिया की विशेषता आपको क्या बताई थी, जल्दी बताइए किसको आती है, संज्ञा की परिभाषा आती है आपको, मैंने संज्ञा आपको समझाया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, चलिए हम बताते हैं आपको। क्रिया की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, विशेषण की बताई थी अलग, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण। अब आपने क्या कहा था, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना, कार्य या किसी कार्य के करना। कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसमें मैंने बताया चलना, खाना पीना, आना जाना, यह सब क्या है, हमारे क्रिया शब्द हैं, क्या है, हमारे क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया की विशेषता यहाँ क्या बता रहे, हमारा चलता है, चल कैसे वो चलता है, धीरे धीरे चलता है। भैया आ गए, भैया कैसे आ गए, अचानक आ गए, है ना, तो कैसे, ये हमारा क्या है, अचानक क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये हमारे क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ये क्या शब्द है, हमारे क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, चलने की विशेषता बता रहे हैं, क्या हमारा धीरे धीरे चलता है। आ गए हमारे, कैसे आ गए, वो अचानक आ गए, ये क्या है हमारा, अचानक क्या हुआ हमारा, क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अच्छे समझ में आया आपको क्रिया विशेषण शब्द। अब जैसे चिड़िया कहाँ बैठी है, बैठी है कहाँ बैठी है, ये क्या हुआ हमारा, क्रिया विशेषण शब्द। वो क्या बता रहे, क्रिया की बैठने की विशेषता बता रहे, क्या कहाँ बैठी है, और क्या हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा, क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अब जैसे आशा कल गई थी, आशा कल गई थी, गई थी, गया जाना, ये क्या है हमारा, क्रिया शब्द है। और उससे पहले हमारा क्या प्रयोग हुआ, कल, ये क्या हुआ हमारा, क्रिया विशेषण शब्द, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द। ये अच्छे से समझ लीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द। उदाहरण देखिए, जैसे चिड़िया कहाँ बैठी है, बैठने क्या हुआ हमारा, क्रिया, क्रिया से पहले क्या प्रयोग हुआ हमारा, कहाँ, ये क्या है हमारा, क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण है। आया, रमन अभी आया है ना, आने की विशेषता क्या बता रहा है, अभी आया है, तुरंत आया है, ये सब क्या होंगे हमारे, क्रिया विशेषण शब्द। अच्छे से समझ लीजिए, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आप क्रिया विशेषण के भेद देखिए, क्रिया विशेषण के भी बच्चों चार भेद होते हैं, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए कालवाचक विशेषण, काल मैंने आपको पता ही चल रहा है, काल मैंने क्या होता है बच्चों, समय, क्या होता है हमारा, काल मैंने क्या होता है, समय हमारा, उसे क्या कहते हैं हम, कालवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द, जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चले,
काल मैंने समय, तो अर्थात समय का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक विशेषण। नवीन अभी आया है, अभी से हमें क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। अभी तुरंत आया है, 5 मिनट पहले आया है, बाद में आया, समय का हमें पता चल रहा है। शीघ्र चला, राम शीघ्र चला, शीघ्र चला तुरंत चला, जल्दी चला, है ना। शीघ्र मैंने क्या, जल्दी, जल्दी चला, ये क्या है हमारा समय का बोध करा रहा है, समय बता रहा है हमारे। सदैव सूरज सदैव पूरब से निकलता है, सूरज हमेशा क्या बता रहा है, समय का बता रहा है कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता। मां समय बता रहा है ये हमारा कि सदैव हमारे पूरब से ही सूरज निकलता है। वह कल स्कूल जाएगी, कल हमारा क्या बता रहा है, ये कालवाचक विशेषण समय का। अर्थात जहां हमें समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कालवाचक विशेषण कहते हैं। जल्दी से अच्छे से समझ लीजिए कि कालवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, समय को कहते हैं। जहां हमारे समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें अच्छी तरीके से देखिए, अब तब कब अभी तभी सदैव हमेशा रोज कब आज परसों पश्चात प्रतिदिन, ये सब शब्द आते हैं, तो आप पहचान कर सकते हैं इसे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं ये, काल हमें समय बताते हैं, अर्थात ये अब तब ये सब क्या हमें बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, तो यह क्या है हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आप ये देखिए स्थानवाचक। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो स्थान बताते हैं हमें, जो शब्द क्रिया के होने या करने के स्थान के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अतिथि बाहर बैठे हैं, भीतर बैठे हैं, भीतर हमें जगह बता रहे हैं कि अंदर बैठे हैं अतिथि, मेहमान हमारे क्या अंदर बैठे, स्थान बता रहे हैं। अतिथि बाहर बैठे हैं, बाहर हमें स्थान बता रहे हैं। नीतू छत पर बैठी, छत क्या है हमारा, स्थान का बोध करा रहे, स्थान बता रहा है हमारा कि नीतू कहाँ बैठी है, छत पर बैठी है ना। ये सब क्या है हमारे स्थानवाचक, जगह बताते हैं, जिसे आप प्लेस कहते हैं। तुम यहीं ठहरो, यहीं यहाँ पर ठहरो, अभी रुको यहीं पर ही, तो हम ये क्या है, यहीं ठहरो, आप स्थान बता रहे, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आ रहा हूं, तो यहीं हमारे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, स्थान का। तो ये सब क्या है हमारे स्थानवाचक विशेषण। विद्यालय जाने के लिए दाएं मुड़िए, आप बता रहे हैं विद्यालय आपको जाना है, आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, सीधे जाइए, ये सब क्या है हमारे, आगे है पीछे है, ये सब क्या स्थान बता रहे हैं आप। ये सब किसमें आएंगे, हमारे स्थानवाचक विशेषण में आते हैं। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें यहाँ वहां कहाँ इधर उधर दाएं बाएं सामने पास दूर आगे पीछे आदि, ये सब किसमें आएंगे, हमारे स्थानवाचक विशेषण में आएंगे। अगर आपके में वाक्य में ये आते हैं शब्द, तो इनसे आप स्थान का बोध होता है, यानी स्थान के बारे में बताते हैं, तो ये क्या होंगे हमारे स्थानवाचक विशेषण होंगे, ये है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे ये। अगर आपको स्थानवाचक भरने के लिए आता है तो आप इनमें से भर सकते हैं, आपको इनसे पहचान हो जाएगी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आगे देखिए इसी का तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक देखिए, जैसे आपको पता चला कोई भी तेज दौड़, खरगोश तेज दौड़ता है, सीता धीरे रो रही है, सीता अपना गृह कार्य धीरे करती है, राम आज कक्षा में रोया, रोते रोते पड़ा, ठीक है, हंसते हंसते अचानक मेहमान अचानक आ गए, अचानक वर्षा होने लगी, है ना, अचानक हुआ कोई भी काम, अचानक हुआ आपके, क्रिया या क्रिया के होने की रीति या ढंग का बताते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। अचानक दौड़ते दौड़ते धम्म से गिर गया ना, धम्म से रीति बता रहे हैं, सीता खेलते खेलते धम्म से गिर गई, ये क्या है हमारा रीतिवाचक विशेषण, ठीक है।
रानी लक्ष्मीबाई मैदान में वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। वीरता पूर्वक रीति बता रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यह क्या है हमारा रीतिवाचक विशेषण बच्चों, क्या है हमारा रीतिवाचक विशेषण। शेर जोर से दहाड़ने लगा, रीति बता रहे कैसे, उसका ढंग क्या था, जोर से, ये हमारा तेज, ध्यान से, धीरे, रोते रोते, हंसते, अचानक, शीघ्र, धड़ाधड़, धम्म से, वीरतापूर्वक। ये बच्चों शब्द जो आते हैं ये हमारे रीतिवाचक विशेषण में आते हैं। किसमें आते बच्चों, रीतिवाचक विशेषण में आते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, ये शब्द रीतिवाचक विशेषण में आते हैं। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पास केवल दो किताबें हैं, परिमाण बता रहे, मात्रा बता रहे हैं आप, केवल मेरे पास दो ही किताबें हैं। रीतिका बहुत बोलती है, रीतिका बहुत बोलती है, राम कम बोलता है, ये सब क्या है हमारे, क्या है हमारे, कौन से हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वेरी गुड, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बालक बहुत रो रहा है, मैं बाल बाल बचा, ये सब किसमें आएंगे हमारे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कम, ज्यादा, राम ने आज ज्यादा कार्य किया, चाय में थोड़ी कम चीनी है, काफी, इतना काम काफी है, ये सब हमारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। आज के लिए पर्याप्त है, जैसे आप कहते हैं आज के लिए पर्याप्त है, इतना ही, आज के लिए पर्याप्त है, तो ये शब्द हमारे किसमें आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाण बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, ठीक है, इतना, उतना, केवल, बिल्कुल, यह सब किसमें हमारे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये हमारे किसमें है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आपको पूछे जाते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप बता सकते हैं क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। तो आप किसको पहले, अविकारी शब्द और अव्यय, ये दोनों बच्चों एक ही हैं, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अविकारी शब्दों को कभी ऐसे पूछा जाता है कि अव्यय की परिभाषा बताइए, तो आप कहते हैं मैंने अविकारी शब्द याद, अव्यय तो याद किया है लेकिन अविकारी नहीं किया, अविकारी याद किया या अव्यय नहीं किया, तो ये दोनों बच्चों एक ही हैं, चाहे अविकारी हो चाहे अव्यय हो, ये दोनों एक ही हैं। आगे देखिए, संबंध बोधक, आगे देखिए संबंध बोधक अव्यय, अविकारी शब्द, ठीक है। आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है, अब इसका पहले उदाहरण देखते हैं हम। राम और श्याम भाई हैं, इसमें क्या बच्चों, राम और श्याम का संबंध किससे है, दोनों भाइयों का संबंध है, संबंध दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, पेड़ के नीचे पत्ते पड़े, पेड़ और पत्ते का संबंध बता रहा है। मंदिर के पीछे नदी बह रही है, यहाँ पर मंदिर का संबंध किससे है, नदी से है, ठीक है। यहाँ देखिए संबंध, जहां आपको संबंध बताया जाएगा वहां आपका क्या होगा, संबंध बोधक क्रिया विशेषण, क्या, संबंध बोधक अव्यय, क्या होगा बच्चों, संबंध बोधक अव्यय, ये किसमें है, अविकारी शब्द, ठीक है। अभी देखिए इसकी परिभाषा देखिए पहले, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं, संज्ञा शब्द के बाद आएंगे या सर्वनाम शब्दों के बाद आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनका संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। आप संबंध बोधक भी, आप ये देखिए इसके भी भेद होते हैं, इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये संबंध बोधक है। जैसे साधन वाचक, साधन वाचक में आप क्या करते हैं, अगर वाक्य में के द्वारा, के माध्यम, के जरिए, के सहारे, के विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, है ना, आपको मैंने कारक पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को, मैंने सारे कारक आपको पढ़ाए थे, तो के विभक्ति, मैंने कर्ता ने, जो ने आपका प्रयोग हुआ था इसे विभक्ति कहते हैं, तो साधन वाचक में क्या है, के विभक्ति के साथ आपके देखिए द्वारा, माध्यम, जरिए, सहारे,
इनका प्रयोग हुआ है। ये क्या है? हमारे साधन वाचक। क्या है ये? हमारे साधन वाचक। ठीक है, संबंध बोधक का ये पहला भेद है हमारा साधन वाचक। इसका देखिए नेक्स्ट है, अगला है हेतुवाचक। हेतुवाचक में क्या? कारण, कोई भी कारण, हेतु, खातिर, लिए, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है वाक्य में वो क्या होते हैं? हमारे हेतुवाचक। संबंध बोधक के भेद में क्या है दूसरा हमारा? हेतुवाचक। इसमें कारण, किसी कारण से, बीमारी के कारण, बुखार के कारण वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, कारण आपका प्रयोग हुआ तो वह क्या है? हमारा हेतुवाचक। या अर्थात ये क्या है? हमारा संबंध बोधक है। क्या है हमारा? संबंध बोधक। राम की खातिर सीता, राम की खातिर सीता ने अपना कार्य नहीं किया। खातिर आपने शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर हमारा क्या है? खातिर जो आपने प्रयोग किया ये क्या है? संबंध बोधक। क्या है बच्चों? ये हमारा संबंध बोधक। अब देखिए संघवाचक। संघवाचक को आप संबंध वाचक भी कहते हैं। संबंध वाचक में देखिए संघ, आपको संघ से पता ही चल रहा है, साथ, संबंध यानी कि दो चीजों का संबंध, साथ, समेत आदि, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? संबंध पता चलता है। और ये क्या है? हमारे संबंध बोधक शब्दों के भेद हैं, संबंध बोधक का। दिशावाचक आपको दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, तरफ, ओर, सामने, आसपास, हमारे आसपास है, तरफ, एक तरफ है हमारे, ओर है, ये सब क्या है? हमारे दिशावाचक, दिशावाचक है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए बच्चों, ये क्या है? हमारे दिशावाचक है। तुलनात्मक, क्या करते हैं? तुलना करते हैं किसी से, किसी की तुलना किसी से करते हैं, है ना? कंपैरिजन जिसे आप कहते हैं, किसे कहते हैं आप? कंपैरिजन, उसे क्या कहते हैं? जैसे तरह, अपेक्षा, सामने, आगे आदि, ये सब किसी चीज से आप तुलना करेंगे। राम की अपेक्षा सीता पढ़ने में अच्छी है, ये क्या आपने किया? राम की अपेक्षा सीता पढ़ने में, आपने दोनों में क्या किया? तुलना की है। ये क्या है हमारा? आप तुलना जब करते हैं ये क्या है? तुलनात्मक, अपेक्षा, आपने तुलना की है। स्थानवाचक, स्थानवाचक में जैसे यहाँ, वहां, निकट, दूर, अंदर, बाहर, ये सब क्या है? स्थान, जगह बताते हैं। ये सब किस में आते हैं हमारे? संबंध बोधक के भेद है बच्चों, संबंध बोधक में आते हैं। देखिए विरोधवाचक, विरोधवाचक किसमें है? विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, खिलाफ, ये सब किसमें है हमारे? विरोधवाचक में है। किसमें है? संबंध बोधक में का भेद है विरोधवाचक, उसमें विपरीत, प्रतिकूल, है ना? ये सब किसमें है? जैसे राम के, राकेश के खिलाफ राजीव चुनाव लड़ेगा, है ना? खिलाफ, उसके खिलाफ, सामने, उसके खिलाफ, मतलब जो चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ लड़ेगा। तो खिलाफ हमारा यहाँ पर क्या है? हमारा विरोध, विरोधवाचक, उसके विरुद्ध है, उसके विरुद्ध है, अपोजिट में है ना? कालवाचक अर्थात समय, समय का बताते हैं, आगे, पीछे, बाद, उपरांत, यह सब हमारे क्या है? काल, समय का बताते हैं। तो यह सब हमारे किस में आएंगे? संबंध बोधक में आएंगे। किसमें आते हैं बच्चों? संबंध बोधक में आते हैं। और इसमें बच्चों एक और है समतावाचक। समतावाचक में देखिए समान, अनुसार, तरह, सदृश और बराबर। समतावाचक मतलब एक दूसरे से आप इसमें कंपैरिजन, तुलना नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के समान। समतावाचक एक दूसरे के समान है, अर्थात बलराम के बराबर सर्वेश के अंक आए, दोनों में के समान आए, है ना? जैसे आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में दो विद्यार्थियों के अंक जो है समान आए, है ना? आप क्या कहते हो? राकेश के अनुसार ही गीता ने कार्य किया, के अनुसार, उसी के अनुसार, उसी की जैसे ही काम किया है, तो आप समता, दोनों का काम अर्थात समान है। तरह, सदृश, एक जैसा, बराबर, इक्वल, उसे आप क्या कहेंगे? समतावाचक। जैसे क्या कहेंगे? समतावाचक। ये समझ में आया बच्चों? संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक के भेद बच्चों अच्छे से समझ में आए? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? जल्दी बताइए।
जल्दी से लिंक बच्चों शेयर कर लीजिए और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों कि अव्यय और अविकारी शब्द एक ही हैं। एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। दोनों शब्द एक ही हैं आपके। इसको कहते हैं लिंग वचन कारक पुरुष। काल के अनुसार जो शब्दों में रूप नहीं बदलता है उसको हम अव्यय कहते हैं, और लिंग वचन कारक इनके कारण जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार मैंने क्या होता है? परिवर्तन। और अविकारी का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होना, अर्थात परिवर्तन बदलाव नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी के मैंने भेद आपको बता दिए। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण, है ना? आपको समझ में आया कितने भेद होते हैं अविकारी शब्द के? जल्दी बताइए कितने भेद होते हैं अविकारी शब्द के? अविकारी शब्द के बच्चों मैंने चार भेद बताए आपको, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके चार भेद हैं अभिकारी शब्द के। आपको भेद लिखने के लिए आते हैं या अव्यय के भेद आते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए इसके चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्च बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के मैंने आपको चार भेद बताए। क्रिया विशेषण के भेद आते हैं आपको, क्रिया विशेषण की परिभाषा बताइए पहले। तो ये क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्या होते हैं हमारे? चार भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया संबंध बोधक। संबंध बोधक में मैंने आपको नौ भेद बताए कि संबंध बोधक कैसे आप पहचानेंगे कि आप इसमें संबंध बोधक है। अच्छे समझ में आया? चलिए अब हम आगे करते हैं अभ्यास कार्य, जल्दी बताइएगा। मनीषा यहाँ रहती है, जल्दी बताइए मनीषा यहाँ रहती है, इसमें कौन सा विशेषण है? कालवाचक विशेषण है बच्चों की, स्थानवाचक विशेषण है? मनीषा यहाँ रहती है, यहाँ आपका क्या बता रहा है? काल बता रहा है कि स्थान बता रहा है, अर्थात समय बता रहा है कि स्थान बता रहा है? यहां पर शब्द हमारा किसका बोध करा रहा है, किसका बता रहा है? कालवाचक कि स्थानवाचक? यहां पर यहां शब्द हमारा, मैंने आपको बताया था काल हमारा समय बताता है और स्थान यहां वहां, तो यहां पर हमारा क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा हमारा? स्थानवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अध्यापक की बातें ध्यान से सुनिए, अध्यापक की बातें ध्यान से सुनिए, हमारा स्थानवाचक विशेषण है कि रीतिवाचक? स्थानवाचक है हमारा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? बच्चों ये क्रिया विशेषण है, विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण। स्थानवाचक है कि आपका रीतिवाचक है? ध्यान, ध्यान शब्द किसमें प्रयोग होता है? स्थान यहां वहां प्रयोग होता है, और आपका रीति में क्या प्रयोग होता है? जल्दी बताइए रीतिवाचक में क्या प्रयोग होता है? यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है? रीतिवाचक। क्या है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, स्थान हमारा बताएगा तो स्थानवाचक होगा, रीति बता रहा है हमारा, बातें ध्यान से सुनिए, ध्यान से रीति बता रहे, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस वर्ष खूब वर्षा हुई, इस वर्ष खूब वर्षा हुई, तो खूब शब्द यहाँ पर क्या है? परिमाण बता रहा है कि काल बता रहा है? परिमाणवाचक बच्चों बता रहा है कि कालवाचक बता रहा है? जल्दी बताइए, परिमाणवाचक विशेषण बता रहा है
कि हमारा कालवाचक विशेषण बता रहा है। परिमाण मैंने आपको बताया, परिभाषा इसकी कालवाचक की भी बताई। अब दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुब शब्द किसमें प्रयोग होता है? कुब क्या होगा ये बच्चों हमारा, क्या होगा? परिमाणवाचक। क्या होगा हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण की मैंने बताया, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया विशेषण के किसी कार्य के परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे अधिक, कम, ज्यादा, खूब, जरा, कितना, उतना, ये सब हमारे किसमें आते हैं? बिल्कुल, ये सब हमारे परिमाण में आते हैं। किसमें आते हैं? परिमाण में। तो ये हमारे क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, पड़ोसी जोर जोर से चीख रहा है। पड़ोसी जोर जोर से चीख रहा है। इसमें कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है? जोर जोर, पड़ोसी जोर जोर से चीख रहा है, इसमें बच्चों कौन सा हमारा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है? जल्दी बताइए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी मैंने रीति की परिभाषा आपको बताई कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के करने के तरीके या ढंग का पता चलता है। रीति अर्थात क्या है? हमारे तरीके या ढंग का पता चलता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान पूर्वक, सावधानी से, झटपट ये कार्य कर लो, अचानक वर्षा हो गई, ज्यों त्यों, अवश्य, ये सब हमारे बच्चों किसमें आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ये सब किसमें? जोर जोर, धीरे धीरे, ये सब किसमें? हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। बच्चों ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? धड़ाधड़, एकाएक, ठीक है? ये सब उदाहरण किसके? रीतिवाचक के। आगे देखिए, अचानक वर्षा होने लगी। अचानक बच्चों किसमें है? कालवाचक की रीतिवाचक। अचानक वर्षा होने लगी, ठीक कालवाचक की रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक शब्द यहां पर मैंने अभी इसको आपको बताया भी। काल हमें क्या बताता है? समय बताता है। और समय क्या करते हैं? अभी, जब, कल, आगे, पीछे, है ना? परसों, पश्चात, ये सब किसमें कहते हैं? समय बताते हैं। जैसे अभी अभी मैंने खरगोश देखा, अभी अभी, ये हमारा क्या होता है? कालवाचक। अभी अभी समय बता रहे हैं आप, अभी अभी मैंने देखा, ये समय बता रहे हैं आप। अब इसमें क्या होगा? अचानक। अचानक में क्या है बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है अचानक में बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी मैंने आपको बच्चों समझाया ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ठीक है? जिन शब्दों से रीति या ढंग पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान पूर्वक पढ़ो तभी तुम कक्षा में प्रथम आओगे। आप कहते हो अचानक वर्षा होने लगी, अभी तक वर्षा नहीं हो रही थी, बादल बिल्कुल साफ थे, क्या हुआ? अचानक वर्षा होने लगी, तो ये क्या हुआ हमारा? रीतिवाचक। इसमें बच्चों बताइए, संबंध बोधक किस शब्द का किससे संबंध है? संबंध बोधक बताइए इसमें। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, इसमें किस शब्द का संबंध किससे है? संबंध बोधक बताइए बच्चों, संबंध बोधक बताइए। संबंध किस शब्द का संबंध किससे है कि वह संबंध बोधक है? संबंध बोधक है।
जल्दी बताइए, संबंध बोधक अव्यय क्यों है ये? किसका संबंध किससे है? कौन से दो शब्द इसमें है कि उसका एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध है? बताइए जल्दी से। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, इसमें क्या है? का साथ, क्या है हमारा ये? का साथ शब्द जो है यह हमारा क्या है? संबंध बोधक, क्योंकि यह हमें क्या बता रहा है कि रावण का संबंध किससे है? विभीषण से है। रावण का संबंध विभीषण से है, यह संबंध बता रहा है। रावण से विभीषण का संबंध बता रहा है हमारा, तो ये क्या, यहाँ पर क्या है हमारे? संबंध बोधक। साथ छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया, का साथ क्या है हमारा? संबंध बोधक। ठीक है, आप इसमें अंडरलाइन करेंगे। मंदिर के पीछे नदी बह रही है, मंदिर के पीछे नदी बह रही है, इसमें संबंध बोधक क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। मंदिर के पीछे नदी बह रही है, इसमें किसमें अंडरलाइन करेंगे, किसके नीचे? कैसे आपको पता चलेगा? आप इसमें क्या करेंगे, के पीछे। देखिए इसमें क्या है, मंदिर का संबंध किससे है? नदी से है। मंदिर का संबंध नदी से है, मंदिर के पीछे नदी बह रही है। संबंध बोधक क्या है? एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध क्या कहलाता है हमारा? संबंध बोधक कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के वाक्यों के द्वारा किसी दूसरे शब्द के माध्यम से संबंध का बोध कराए। संज्ञा या सर्वनाम के वाक्यों के द्वारा, है ना, यहाँ पर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के वाक्यों के द्वारा जो दूसरे शब्द है उनसे संबंध अगर हमारे दर्शाता है वो क्या कहलाता है हमारा? संबंध बोधक कहलाता है। यहाँ पर विभीषण और रावण का संबंध दिखाया गया है, ठीक है। और मंदिर के पीछे, मंदिर और नदी, ये क्या होगा हमारा? के पीछे क्या है हमारा? संबंध बोधक। आगे देखते हैं, लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं, इसमें क्या है? लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं, इसमें बच्चों किसमें है संबंध बोधक? के ऊपर। लाल किले का संबंध किसमें है, किससे है? तिरंगा से है। किससे है? लाल किला हमारा क्या है? हमारा संज्ञा है, और इसका संबंध किससे हम बता रहे हैं? तिरंगा से। तो ये क्या है हमारा? संबंध बोधक अव्यय। क्या है हमारा? क्योंकि हमारा संज्ञा या सर्वनाम का किससे, दूसरे शब्द से क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे, तिरंगे से संबंध बता रहे हैं हमारे। के ऊपर, लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं, तो ये शब्द क्या है हमारा? के ऊपर, संबंध बोधक। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, इसमें बच्चों क्या है? जल्दी बताइए। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, इसमें क्या है? के नीचे क्या है बच्चों? इसमें शब्द के नीचे संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ का संबंध क्या है? पत्ते के साथ है। क्या आपका पेड़ का संबंध है? पेड़ हमारा क्या है? संज्ञा शब्द। पेड़ का संबंध हमारा किससे करा रहे हैं? पत्ते के साथ संबंध दिखा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारा? पेड़ के पत्ते के साथ संबंध दिखाने के कारण के नीचे क्या है हमारा? संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय या अविकारी दोनों शब्द एक ही है हमारे। रोहित की अपेक्षा राहुल बहुत अच्छा खेलता है, राहुल अच्छा खेलता है। रोहित की अपेक्षा, की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है, यहां पर क्या है? जल्दी बताइए बच्चों। रोहित की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है, तो यहाँ पर की अपेक्षा हमारा क्या है? अव्यय है। क्या है हमारा? अव्यय है। यहाँ पर तुलना करें, जो भी मैंने आपको समझाया तुलनात्मक, उसमें की अपेक्षा मतलब रोहित से राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है। रोहित की तुलना यहाँ पर आप किससे कर रहे हैं? राहुल से कर रहे हैं, दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? रोहित का संबंध राहुल से दिखा रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुलनात्मक होगा, है ना? तो क्या है यहाँ पर? संबंध बोधक अव्यय। अच्छे समझ में आया अब आपको अव्यय? अव्यय की परिभाषा,
अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब संबंध बोधक आपको समझ में आया, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण, कालवाचक, अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, इसमें कोई भी आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बच्चों ये जो प्रश्न है इनमें से एग्जाम में आते हैं आपको छांटने के लिए, क्रिया आपको आता है कालवाचक विशेषण छांटिए, रीतिवाचक विशेषण छांटिए, संबंध बोधक छांटिए, संबंध बोधक शब्द भरिए, भरने के लिए आते हैं। आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा आती है तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपके फाइनल एग्जाम में तो ये सब आएगा, पूरी व्याकरण आप में आएगी, तो अच्छे से तैयारी करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, और जल्दी से आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, मेरा लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ पढ़ सकें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जो भी नोटिफिकेशन स्पेशल क्लास की आएगी वो आपको मिल सके। आप मेरा उस पर रेफरल कोड पूजा 01 प्रयोग कर सकते हैं और आपको जिसपे 10% डिस्काउंट मिलता है। बच्चों कल आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है पहले बच्चों को डाउनलोड कर लीजिए, कल उस पर मेरी क्लास है, मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगी, यही चैप्टर आपको अवे, आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपसे कराऊंगी, आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट किस तरीके से पेपर अवे में आता है, अवे चैप्टर से किस तरीके से आपके पेपर में आता है, एमसीक्यूज आते हैं, प्रश्न उत्तर किस तरीके से आते हैं, तो आप मेरी अनअकैडमी, आप पहले अनअकैडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मेरी क्लास है कल 11:15 से मेरी क्लास है, आप उसे अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आपकी ये अच्छे से तैयार हो पाए। थैंक यू बच्चों।